हेलो एवरीवन, तो आज हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 24 इंग्लिश टीचर क्लास 1। तो चलिए पढ़ते हैं। द ग्रीडी मंकी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, मंकी बंदर। न्यू वर्ड्स कौन कौन से इस चैप्टर्स में हम देखेंगे। विंडो मतलब खिड़की, बास्केट टोकरी, वेट इंतज़ार करना। वन डे द कैट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। एक दिन एक कैट कहाँ घूम रही थी, एक गार्डन में। द मंकी वॉज ऑन द ट्री। और मंकी कहाँ था, एक पेड़ पे बैठा हुआ था। कैट गार्डन में घूम रही थी और मंकी पेड़ पर बैठा हुआ था। मंकी, आ लुक एट दैट विंडो। मंकी कैट को क्या बोलते हैं, उस खिड़की की तरफ देखो। देयर वॉज अ वुमन। उस अंदर कौन है, एक औरत है। शी वॉज कीपिंग अ केक ऑन द टेबल। और उसने टेबल पे क्या रखा है, एक केक। देयर वर सम बनानास इन द बास्केट। टेबल पे क्या है, केक रखे और बास्केट टोकरी में कुछ बनानास रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। मंकी, आई वॉन्ट टू ईट बनानास। अब मंकी क्या बोलता है, मंकी कैट को बोलता है मुझे तो बनानास खाने हैं। कैट, वेट लेट मी गो देयर। कैट बोलती है रुको इंतज़ार करो, पहले मुझे अंदर जाने दो। यू कम आफ्टर मी, और तुम पीछे आ जाना। कैट क्या बोलती है मंकी को कि रुको पहले मुझे अंदर जाने दो, फिर तुम मेरे पीछे आ जाना। दे वर इन साइड द रूम। वो दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं, इस रूम के अंदर। द कैट वॉज वेटिंग अंडर द चेयर। कैट पहले जाती है और जाके नीचे चेयर के नीचे बैठ जाती है, और किसकी वेट करती है, मंकी की। कैट मंकी वेट। कैट मंकी को क्या बोलती है कि मंकी थोड़ा सा इंतज़ार करो। मंकी, आई एम वेरी हंग्री। मंकी बोलता है मुझे तो बहुत भूख लगी है, मेरे से तो इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझे बहुत भूख लगी है। द मंकी वॉज नाउ ऑन द टेबल। अब मंकी कहाँ था, टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। कैट बोलती है ना मंकी को कि वेट करो रुको, पर मंकी क्या करता है, कैट की सुनता ही नहीं है, वो फटाफट से टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। द कैट वॉज ईटिंग द केक। फिर केक भी आ, ये कैट भी आ जाती है टेबल के ऊपर और वो केक खाना शुरू हो जाती है। मंकी, आ द बनानास आर गुड। अब बनाना तो फेवरेट फूड है मंकी का, तो मंकी बोलते हैं वाह कितने अच्छे बनानास हैं। द मंकी वॉज ईटिंग बनानास 1, 2, 3 and 10, 11 and 12। अब मंकी तो वो टेबल के ऊपर चढ़ के आराम से बनानास खा रहा है। पहले 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, फिर 10 खाए, ऐसे ही बढ़ते गए और 12 तक उसने पूरे फिनिश कर दिए। कैट, हे मंकी बी फास्ट जंप डाउन द विंडो। अब कैट क्या कहती है मंकी को, कहती जल्दी करो मंकी, और खिड़की से ये फिनिश करके खिड़की से बाहर निकलो। That woman is coming. वो आंटी अंदर आ रही है। कैट ने तो आंटी को देख लिया था। वो मंकी को बोलती है हे मंकी जल्दी करो, विंडो से जंप करो, बाहर निकलो विंडो से। द मंकी वॉज सो फैट नाउ। अब मंकी ने इतने बनानास खा लिए, अब तो वो मोटू हो गया मंकी। ही वॉज नॉट एबल टू रन। अब वो तो भाग भी नहीं सकता। कैट, मंकी सी शी हैज़ अ स्टिक इन हर हैंड। ओ माय। अब कैट क्या मंकी को बोलती है कि मंकी वो देखो, वो सांटी के हैंड में तो स्टिक है, वो तो तुझे मारेगी। ओ माय गॉड, कि अब तो उसकी पिटाई होगी। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बच्चों अब मेरे साथ इसके रीडिंग किया कीजिए। जब मेरी वीडियो देखते हैं तो अपनी बुक्स ओपन करके साथ साथ में रीडिंग करें। तो फर्स्ट हम इसका आंसर लिखते हैं, वेयर वॉज द मंकी। अब मंकी क्या कहाँ पर है, या तो आप फुल सेंटेंस भी लिख सकते हैं और या तो सिर्फ टू द पॉइंट आंसर। वेयर वॉज द मंकी, तो हम लिखेंगे द मंकी वॉज ऑन द ट्री। बी पार्ट, What was the woman keeping on the table? Second question क्या है कि woman और आंटी ने कहाँ क्या रखा था टेबल पर। The woman kept
a cake and bananas on the table. Kept a cake. अगर आप केला केक भी लिख सकते हैं, केक एंड बनानास भी. केक एंड बनानास ऑन द टेबल. सी पार्ट करेंगे. वेयर वॉज द कैट वेटिंग. अब कैट मंकी का कहाँ वेट कर रही थी? द कैट वॉज वेटिंग under the chair. अब कैट जल्दी से भाग के चेयर के नीचे बैठ गई थी और मंकी का वेट करना शुरू हो गई. नेक्स्ट इज what was the monkey eating? क्या खा रहा था मंकी? The monkey was eating bananas. इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज. हु सेड दीज वर्ड्स? ये सारे वर्ड्स किसने बोले? आई वॉन्ट टू ईट बनानास. अब सोचो किसने बोले थे बनाना खाना? मंकी. वेट कैट. कैट ने बोले थे ना. आई एम वेरी हंग्री. ये किसने बोला था? मंकी ने. शी हैज़ अ स्टिक इन हर हैंड. कैट. जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो. आपकी लाइक से, आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियोस बनाने की. थैंक यू.